अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यू आस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की शानदार प्रैक्टिस में। हमारे जितने भी साथी हमसे जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे, अपना अपना इंट्रो दे देंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से किस प्लेस से क्लास देख रहे हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज को जो कि आज TG101 पहला मॉक टेस्ट है शुरू करते हैं। सभी साथी एक बार बताएंगे कमेंट करके। लेट मी चेक द वॉइस। यस, हमारे साथियों के रिप्लाई आने शुरू हो गए हैं। सभी लोग जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। चलिए बहुत अच्छा। तो हमारे साथी कमेंट करके बताएं। सावित्री जी थैंक यू, अरुणेश जी, स्मिता जी, रश्मि, पायल, प्रदीप शुक्ला जी, प्रदीप जी, स्मिता जी, बहुत अच्छे। हमारे साथी एक्टिव हैं। अमरोहा से पायल राणा हैं। अजय जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही आप लोग रेस्पॉन्ड करते रहना। तो माय डियर, ये सफ़र थोड़ा लंबा है, कहीं ना कहीं शाम तो होगी जरूर, है ना। तो आप लोगों से मुझे बस इतना कहना है कि 125 क्वेश्चन का हम लोग फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। मे बी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप एग्री ना करते हो या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए। तो आप लोगों के सामने ये जो नंबर दिया है, विद इन 24 आवर्स आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके बताएंगी। और हम अपने सभी वेटरन साथियों से यह भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा प्रूफ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी दे दिया करें ताकि हमें अच्छा लगे उस आंसर को अमेंड करने में। वैसे कोशिश हमारी ये होगी कि गलतियां एक भी ना होने पाए, है ना। तो सर हाफ करवाएं। मनु जी अब आज तो हाफ नहीं, आज फुल ही रहने दीजिए। अच्छा, कितने लोग बताएं कि चाहते हैं फुल मॉक टेस्ट हो जाए? देखो फुल मॉक टेस्ट होगा, एक बार थम्स अप करिए तो उसमें आप इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपका आउट ऑफ 125 कितना सही है, बताएंगे सभी साथी। और बीच में आप हमसे ये उम्मीद मत करना कोई दूसरी बातें नहीं होंगी, कोई इरेलीवेंट मैसेज नहीं होंगे। हाँ, कहीं कोई आपको डाउट लगे तो आप रिव्यू के लिए लिख सकते हो, उसको मैं भी देख लूंगा। और बाद में भी आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फुल मॉक टेस्ट। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। और आप लोग इस शिद्दत से जवाब दीजिएगा, एकदम चीटिंग नहीं, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। और हर क्वेश्चन में उतना टाइम मिलेगा जितना एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। The synonym of विनी, lazy, stop, calm, loud। तेजी से जवाब करना है माय डियर, क्वेश्चन नंबर लिख करके सीधे आंसर लगाइए। बहुत अच्छे जवाब आने शुरू हो गए हैं। पहले तो आप समझेंगे सभी साथी कि विनी का मतलब होता क्या है। विनी मतलब एक्चुअल मीनिंग तो होता है अ हाई नॉइज That houses make, एक ऊंची आवाज जो घोड़े करते हैं। अब ऊंची हमने बोला तो आंसर बन गया loud, D is the right answer। हाँ, खाता खुला कि नहीं? चलो बहुत अच्छे, शाबाश। अरे भाई एकदम पहली ही बॉल में आपका खाता खुल गया तो चेयर अप तो बनता है। चलें, पूरी शिद्दत से जवाब करना है ना। हाँ चलो, the synonym of winsome, रिपल्सिव, अगली, चार्मिंग, रेपेलेंट। प्यारे साथियों आपके पास हैं
टेन सेकेंड्स, 10 सेकेंड का टाइम है। विनसम मीन्स होता है आकर्षक, चार्मिंग इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब। द सिनोनिम ऑफ अमोरस, डिटेस्ट, इरोटिक, कैरेक्ट, एप्रिसिएट। द सिनोनिम ऑफ अमोरस। क्वेश्चन नंबर 3, अमोरस मीन्स होता है कामुक, इरोटिक मीन्स भी कामुक होता है सेक्सुअल, ऑप्शन बी राइट। वेल डन। और अगर आपके लगातार 3 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आप थम्सअप के हकदार हैं। 5 क्वेश्चन सही जाएं तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ थम्सअप करें। जोश से लवरेज रहे, अक्टूबर का मिशन बना लो, फालतू की न्यूज बिल्कुल नहीं देखना। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ एकेलन। हाँ, लंबे इंतजार के बाद मॉक टेस्ट मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, मजा आए तो भी थम्सअप करना। इरा, वॉलेंटरी, ईयर, रैंक। माय डियर, आपको जवाब देना है कि एकलन का सिनोनिम क्या होता है। एकलन मीन्स होता है श्रेणी यानी रैंक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्लिगेशन। हाँ, गुड इवनिंग ना बोलूं तो नाराज मत होना, क्योंकि जो लेट आते हैं फिर अगर एक को बोलूंगा तो सबको बोलना पड़ेगा। ठीक है, बस स्वीकार है सबका गुड इवनिंग माय डियर, सब लोग एकदम हाँ मन में रहते हो। चलिए बोलो, कॉन्फ्लिगेशन का मतलब क्या है? अ वेरी लार्ज फायर, एक बहुत बड़ी आग। तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन बन गया फायर। यस, वेल डन। नेक्स्ट, पूरी मैंने कोशिश की है कि आपको मिक्स मिले। चौसर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्रिटिश पोएट्री, सोनेट, बैलड, एपिक, हेरोइक कपलेट। आप सभी चौसर के नाम से परिचित हैं, जेफरी चौसर। इन्होंने ब्रिटिश पोएट्री में हेरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट, एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड डिडैक्टिक, डायक्रिटिक, डायक्रिटिक, एपिसेडियम, एपिसिल। काफी अच्छे ऑप्शंस हैं। एपिसेडियम का मतलब शोक गीत होता है और डायक्रिटिक का मतलब है कोई एक मार्क। और कौन सा मार्क? जो एक्सेंट के लिए कोई मार्क बनाया जाता है। तो यहां पर सीधे आपका क्वेश्चन कह रहा है डायडेक्टिक। क्वेश्चन क्या है? एनी वर्क ऑफ लिटरेचर विच सेट्स आउट टू इंस्ट्रक्ट इज कॉल्ड, जो आपको इंस्ट्रक्ट करे, उपदेश दे, निर्देश दे, तो डायडेक्टिक होगा। यस, सुपर, बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं हमारे साथी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस लाइव कम संख्या में है, ये दुख होना चाहिए बड़ी संख्या में। जो सोएंगे सो खोएंगे। अ कॉमिक वर्स ऑफ इरेगुलर मेजर इज कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स, डॉगरेल। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉमिक वर्स होता है, इरेगुलर होता है, फार्स बिल्कुल नहीं होगा, डॉगरेल इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। यस, नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ कंसीव, मिसअंडरस्टैंड, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट,
अज्यूम, कंसीव मींस विचार करना या विचारना, सोचना, और मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा, गलत समझना, ऑप्शन ए राइट। द एंटोनिम ऑफ सस्पेंड सीज, डिसकंटिन्यू, एलिमिनेट, परसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 10। सस्पेंड मींस स्थगित करना, परसिस्ट यानी बनाए रखना, किसी चीज में आग्रह करना, ऑप्शन डी, बार बार करना। द एंटोनिम ऑफ श्रीउड, क्लेवर, नाइफ, ब्रेनी, आर्टफुल। देखो, श्रीउड मतलब होता है धूर्त और नाइव मींस भोला वाला। ऑप्शन बी राइट होगा, शाबाश। द एंटोनिम ऑफ सुपरफ्लस, एक्सेसिव, नेसेसरी, लेविस, अबंडेंट। अपोजिट बताना है, एंटोनिम का मतलब अपोजिट। देखो, सुपरफ्लस क्या होता है, जो फालतू होता है, और नेसेसरी आवश्यक, अपोजिट बन जाएगा। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आप लोगों के जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं, इसको देख करके लगता है कि तैयारी आप लोग निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ चिकन हार्टेड, याद रखना माय डियर, चिकन हार्टेड का एंटोनिम ओबिडिएंट, करेजियस, फियरफुल, डाउटफुल। चिकन हार्टेड मीन्स तो होता है डरपोक। अब डरपोक का अपोजिट क्या होगा, करेजियस यानी हिम्मती, साहसी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कॉमिक रिलीफ इज, ऑप्शंस बड़े ध्यान से पढ़ना है। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेज और सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क। द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेजिक, अब देखो ट्रेजिक कैरेक्टर ऐसे इलिमिनेट कर दो, ये गलत हो जाएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेज और सीन्स इन अ बर्लेस्क और कॉमिक, तो देखिए कॉमिक और कॉमिक जब दो बार आ जाए तो ये गड़बड़ है। द इंट्रोडक्शन ऑफ पास्टल कैरेक्टर्स, तो माय डियर यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप सही ऑप्शन पर जाएंगे, और वो राइट आंसर है ए। थोड़ा इसको समझ लें, शायद कभी भूलेगा नहीं। देखो कह रहा है कॉमिक रिलीफ, रिलीफ शब्द पर थोड़ा सा जोर दें, जैसे चल रही है ट्रेजेडी और थोड़ा सा फूल ने कुछ ऐसा डायलॉग बोला जिससे हल्का फुल्का आदमी का ह्यूमर हो गया, तो यानी कि उसके दुख की घड़ी में कुछ राहत मिल गई, तो ये कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं, या स्पीचेज या सीन जो कि किसी ट्रेजिक या सीरियस वर्क में होते हैं। याद रखना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन इज नोन एज, आइडेंटिटी, कंसीट, इमेजरी, मेटाफर। बहुत ही ध्यान से जवाब करेंगी। फैंसीफुल का मतलब है काल्पनिक, काल्पनिक जो इमेज है अथवा अचंभे में डालने वाली तुलना है, उसे हम कंसीट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। येलो बेलीज इडियम मींस ब्रेव मैन, कावर्ड्स, हंगरी मैन, द इंग्लिश एंड फ्रेंच मैन। क्या बात है, पीले पेट वाले भूखे होंगे या कायर होंगे या बहादुर होंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है कि अगर बंदा पढ़ा नहीं होगा तो गड़बड़ मार देगा, देखना अभी आपके बीच में। येलो बेलीज का मतलब होता है कायर, ऑप्शन बी कावर्ड्स इज द राइट आंसर। कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ, कुछ का सही हो गया, ठीक है, क्योंकि बेली का मतलब हंगरी से मत जोड़ देना।
एकदम नया ईडियम है, एन ओलाई ब्रांच ईडियम मीन्स, बहुत ध्यान से जवाब करो, अ जेस्चर ऑफ पीस। वैसे मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आप बिल्कुल सही देंगे, क्योंकि इसका मतलब ही होता है शांति का कोई जेस्चर। ऑप्शन ए राइट। द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स और टू फोर्सेज इज नोन एज कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, फाइटिंग, नन ऑफ दीज। 18 नंबर लिखकर आंसर करना है। याद रखिएगा, जब दो कैरेक्टर्स के बीच स्ट्रगल हो उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्वंद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज नोन एज डेनोटेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सपोजिशन, कैनोटेशन। तो बंदा ए और डी में, जी ए और डी में ही कंफ्यूज होगा, ये बात तो पक्की है। क्यों धर्मपाल जी बताएं? देखो, डेनोटेशन का मीनिंग सीख लो, प्राइमरी मीनिंग होता है, और जब आपको ये पता चल गया कि ये प्राइमरी है तो पक्की बात है कि कैनोटेशन में जाएंगे, और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु क्वाइंड द टर्म इसाय, माउंटेन, लैम, बेकन, ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं आपके, बस आगे पीछे रहते हैं। इसाय शब्द को इजाद किया, कॉइन किया माउंटेन ने, जो कि फादर ऑफ ऐसे भी कहलाते हैं, कि जरूर आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, तो आप क्या लिखेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, एडिशनल जानकारी खूब दे सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बस क्वेश्चन से रिलेवेंट हो, वेरी गुड। लेकिन एक दो जवाब गड़बड़, अधिकांश सही। अ सॉन्ग और पोइम इन ऑनर ऑफ मैरिज इज नोन एज इपिथेलमियम, वेडिंग सॉन्ग, मैरिटल स्टेटस। एक ऐसा गीत जो किसी विवाह के सम्मान में लिखा जाए, ऑप्शन ए राइट। हमारे सभी साथी बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं और बधाई के पात्र। ऐसे ही आप बस चीजों को तैयार करते चले जाओ, यकीन मानिए कि ये मेहनत, ये प्रैक्टिस रंग लाएगी जरूर। द टर्म इज यूज्ड फॉर अ कैरेक्टर हु एक्ट्स एज कंट्रास्ट टू अनदर कैरेक्टर, इट इज फॉइल, कॉइल, सॉइल, कंट्रास्टिंग। बड़े ही ध्यान से समझें, क्वेश्चन पर ध्यान दें। एक ऐसा टर्म जो कोई किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग किया जाता है, हु एक्ट्स एज कंट्रास्ट, जो कंट्रास्ट में काम करता है दूसरे कैरेक्टर के, उसे हम फॉइल बोलते हैं, और ऑप्शन ए राइट। कैकोलॉजी मींस, प्यार से जवाब करना, अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन अच्छा लगे तो भी थम्स अप कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्यूटी, लव, किडलिंग, मोशन। कैकोलॉजी का मीनिंग, सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में टकराएंगे ही, स्टडी ऑफ ब्यूटी। यस, आपको खुद लेवल समझ में आएगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, एकदम अप टू द मार्क। वाइन एंड डाइन, और लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बताओगे भी कि आपको ये प्रयास कैसा लगा। अभी नहीं, पहले जवाब देते जाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइन एंड डाइन, गेट ड्रिंक बिफोर डिनर, अ प्लेस वेयर बोथ अल्कोहल एंड फूड इज सर्व, लिव अ हेडनिस्टिक लाइफ व्हेन समबडी इज ट्रीटेड टू एन एक्सपेंसिव मील। काफी बेहतरीन क्वेश्चन, और एक बार हमारे साथी कुछ विचार कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सही। एक ऐसा प्लेस जहां पर शराब और भोजन दोनों दिए जाएं, वाइन, सीधा अर्थ है इसका, तो वाइन भी है और डाइन भी है। डाइन का मतलब
भोजन से है या डिनर से है, डाइन एक्चुअल में वर्ब के रूप में काम करता है। एज क्लियर एज मड idiom, impossible to understand, extremely dirty, honest and legal, completely suitable for someone. 50 question के बाद हम लोग रेस्ट करेंगे, अभी फटाफट जवाब, फिर एक मिनट का ब्रेक दूंगा, तेजी से जवाब करो। और स्क्रीन में आपको ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, impossible to understand, जिसे समझना कठिन, a deep cut or tear in skin or flesh, laceration, termination, cessation, resistance, 26. देखो resistance तो रोक होता है, और जो cessation है ये process of ending यानी किसी चीज को बंद करना। right answer है laceration, गहरा घाव, ऑप्शन ए। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, तेजी से जवाब करिए, पेट्रीफाइड, अबेस्ट, स्किटिस और कुर्जिपा। क्वेश्चन नंबर 27, पेट्रीफाइड का मतलब टेरिफाइड है और स्किटिस का मतलब भीरू होता है। एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन डी कुर्चपा, डी इज द राइट आंसर। द क्लैंडेस्टाइन कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बैंड बाय द स्टेट, वॉन्टन, ब्रेजन, फ्लैग्रेंट, सेमिजेट, 28। वॉन्टन का मतलब होता है अकारण कार्य, बिना किसी कारण के, ये तो होगा नहीं। ब्रेजिन बेशर्म होता है। अच्छा, फ्लैग्रेंट होता है ऑफेंसिव, तो यहां पर राइट आंसर तो फिर एक ही बचा, सेमिज डेट। क्लैंडेस्टाइन का मतलब गुप्त होता है, गुप्त कोई कॉपी करना किसी चीज को, फिर उसे उस लिटरेचर को डिस्ट्रीब्यूट करना जो कि बैन किया गया हो किसी सरकार के द्वारा। शोइंग पुअर टेस्ट एंड क्वालिटी, सेवर, पाइक, टैकी, एग्जीक्यूट। एक्सक्विजिट बिल्कुल मत लगाना, जिसका स्वाद एकदम घटिया हो उसे क्या कहोगे। अच्छा, पाइक का मतलब आप जानना चाहते हो, तो सेवर टेस्ट होता है, ध्यान रखना। पाइक एक प्रकार की मछली होती है। राइट आंसर बताइए भाई, तेजी से जवाब करें। एक्विजिट का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग, तो यहाँ टैकी आंसर होगा, जिसका मतलब हल्का या फूहड़ होता है। सी इज द राइट आंसर, वेल डन। एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल, बैलेट, सोनेट, ओपस, लैमरिक। बड़े ही ध्यान से जवाब करें। एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं हमारे साथी, ओपस इज द राइट आंसर। ही इज अ फेमस हिंदी राइटर, ही ट्रांसलेटेड शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट इज नोन एज दुर्लभ बंधु, इन वैल्युएबल फ्रेंड, हु इज द फेमस हिंदी राइटर, भारतेंदु हरिश्चंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, 31। तो आपने जैसे ही दुर्लभ बंधु नाम सुना, याद आ गया भारतेंदु हरिश्चंद, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, हु कॉल्स शेक्सपियर अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन, ऑस्कर वाइल्ड,
वॉल्टेयर शार्टन विक्रम चोपड़ा 32 वॉल्टेयर ऑप्शन बी राइट हूज रिमार्क इज दिस आर द कमेंटेटर्स ऑन हैमलेट रियली मेड और ओनली प्रिटेंडिंग टू बी वॉल्टेयर इमर्शन ऑस्कर वाइल्ड नन ऑफ दीज माय डियर ये कमेंट किया था ऑस्कर वाइल्ड ने ऑप्शन सी राइट हु इज नोन फॉर द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर एन एडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर ही ओमिटेड द फूल एंड एंडेड द प्ले विद द मैरिज ऑफ कॉर्डिलिया एंड एडगर अंत में कॉर्डिलिया और एडगर की शादी करा दिया कौन था नाउम टेट इलियट एलन टेट पिंटर 34 एंड द राइट आंसर इज नाउम टेट ऑप्शन ए राइट हु रोट हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ एन एसे इन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म 1933 किसने लिखा था हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ उसने कहा था कि यदि मैं किसी बच्चे को शक करा रही होती तो भी अपने निपल्स को उसके कपोलों से निकाल करके मैं उस बच्चे को पटक देती तो क्वेश्चन कर दिया किसी ने कि भैया उसके कितने बच्चे थे और यहाँ पर हमारे प्यारे साथी एलसी नाइट लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यस एलसी नाइट इज द राइट आंसर अ यंग वुमन किल्स हर ओन इलेजिटिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी दिस हैपेंस इन द प्ले बहुत ध्यान से देखिएगा एक यंग वुमन अपने इलेजिटिमेट बच्चे को मार देती है सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए ये आप कहां पर देखते हैं विंडोज इज द राइट आंसर चलो राइटर का नाम तो आप अच्छे से जानते हो बताने की जरूरत नहीं है है कि नहीं विच ड्रामा डिपिक्ट्स द फाइट ऑफ एन आइडियलिस्ट अगेंस्ट एडवर्स सोशल फोर्सेस द मॉब द रूफ द स्किन गेम विंडो कौन सा वो ड्रामा है जो आइडियलिस्ट की फाइट को विषम सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ चित्रित करता है माय डियर वो वर्क है द मॉब ऑप्शन ए राइट फाइंड आउट द एरर पार्ट इफ एनी एज अरुंधति रॉय इन हर फॉरवर्ड राइट जॉन ऑफर्स अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ पीपल काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है बस ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा टेंस की मिस्टेक है यहां पर ऑप्शन बी बनेगा अरुंधति रॉय सिंगुलर है तो एस लग जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के शब्द स्पॉट द एरर पार्ट प्रीति वॉज अनहैप्पी दैट सी वुड नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ हर सिस्टर यस्टरडे तो यहां पर भी आपको जवाब करना है और आप गौर से देखिए 39 में तो आपको क्या मिलता है कि बी ऑप्शन में गलती है वुड नॉट अटेंड ये नहीं होगा वुड नॉट बी एबल टू अटेंड हो जाएगा यानी वो अटेंड करने में समर्थ नहीं होगी तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द लॉ इज व्हाट इट इज अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ हिज रेस्ट ऑन अनदर वेयर डज दिस लाइन अपीयर द रूफ
the ice skin game Windows Justice. 40 नंबर में यस जस्टिस राइट, इसमें आपने हनीवेल फाल्डर को जरूर अच्छे से पढ़ा होगा और कैरेक्टर्स आपको याद भी होने चाहिए. वी शैल कट ईच अदर्स थ्रॉट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, वेयर डज इट अपीयर. लॉयल्टीज ऑप्शन ए राइट. इन लॉयल्टीज मैबिल इज द वाइफ ऑफ, मैबिल किसकी वाइफ है, द सूनर द बेटर. यस बोलिए तेजी से. डेंसी ऑप्शन ए राइट. तेजी से आपको पढ़ना है. फाइंड आउट द एरर पार्ट, माय एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेज हिज ब्रेड एंड बटर. माय एल्डर सन डील्स विद नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज में हम व्यापार करते हैं तो वहां हम विद बिल्कुल नहीं लगाते हैं. बोलोगे क्या लगाएंगे माय डियर, तो आप बोलेंगे कि जब वस्तु के साथ व्यापार किया जाए, व्यक्ति होता तो विद, वस्तु के साथ जिस वस्तु का व्यापार हो तो इन प्रेपोजिशन आता है. डील इन, अब चाहे जो भी आ जाए, थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्लास को फिर से रिज्यूम करना पड़ेगा. एक मिनट 10 सेकंड देख लेते हैं हम लोग, नहीं तो क्लास को फिर से रिज्यूम किया जाएगा. कभी कभी ऐसा नेटवर्क के वजह से भी हो जाता है. जस्ट वेट, कुछ नहीं दिख रहा है. अच्छा जी, तब तक आपस में कुछ बातें हो जाएं. अगर सही हो जाए तो लिख दीजिएगा सीसी, और नहीं तो हम लोग कलरफुल हो गए स्क्रीन. अच्छा, स्क्रीन एक बार सही करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर कोशिश करता हूँ. शायद कभी कभी कोशिश कामयाब हो जाती है ना. देखो इस बार बताओ क्या सही हो गई. राधे राधे बोलो फटाफट, स्क्रीन सही हो जाए तो बताओ. हो जाए तो सीसी लिखो, थम्स अप करो भाई. कोशिश करने में क्या जा रही है. देखो सही हो गया, चलो भाई. तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि डील के साथ विद नहीं लगेगा, यहीं पर थे ना, इन लगेगा. अब देखो परीक्षा में हो सकता है कि कोई और शब्द आ जाए, आया भी है, राइस आ जाए. बहुत ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि आपके डील के साथ में जब किसी व्यापार की बात की जाए, व्यक्ति की करें तो विद आएगा बर्ताव करना, लेकिन वस्तु की बात करें स्पेयर पार्ट्स, तो वहां पर इन प्रेपोजिशन आता है. चाहे जो कुछ भी आ जाए, तो ये क्वेश्चन ए ऑप्शन क्लियर हो गया. डील इन समथिंग, कोई वस्तु. चले स्पॉट द एरर पार्ट, सी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्ली एज ऑफ 7. क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से जवाब करना. असेंड द थ्रोन, असेंडेड यहां टू लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑप्शन बी राइट. स्पॉट द एरर पार्ट, काफी अच्छे क्वेश्चन है. We did not go to the temple on foot. He went there by the car. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट राइट आंसर तो एक ही है, ऑप्शन सी. बताएं कैसे. जब भी बाय लिखा हो,
प्लस कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सीधे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन को लिखेंगे, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। यहां सीधा सीधा आपको आर्टिकल दा को रिमूव करना है। इस बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सप्रेशन में नो आर्टिकल पढ़ाया है। हु कॉल्ड चौसर द पॉइंट ऑफ मैनर्स, स्पेंसर द पॉइंट ऑफ रोमांस एंड शेक्सपियर द पॉइंट ऑफ नेचर, किसने कहा है भाई बताइए? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, चार्ल्स लैम, विलियम हेजलिट। एंड द राइट आंसर इज विलियम हेजलिट। अच्छे से याद रखिएगा, बार बार रिवाइज करना है, भूलना नहीं। हु क्लेम्ड दैट शेक्सपियर डाइड अ पेपिस्ट, ये क्लेम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 47। तो कोई क्लर्जी मैन ही कर सकता है, रिचर्ड डेविज अ क्लर्जी मैन, ऑप्शन सी राइट। व्हेन डिड द सेकेंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तेजी से आंसर करो, सेकेंड फोलियो कब आया था? ऑप्शन सी राइट। हु हेल्ड शेक्सपियर एज द स्टार ऑफ पोइट्स, तेजी से जवाब करिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। स्टार ऑफ पोइट्स शेक्सपियर को किसने कह के वेलकम किया? यहां पर आप प्यारे साथियों को जवाब करना है, बेन जॉनसन, ऑप्शन ए राइट। When was the third folio of Shakespeare published? एक नजर में आंसर आना चाहिए। 1663, ऑप्शन ए। Restoration comedy marks the restoration of women rights, democracy, anarchy, human rights. Restoration comedy किस चीज का restoration है? थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वीमेन्स राइट, डेमोक्रेसी तो नहीं। यहां पर आप ए ऑप्शन के साथ जाएंगे तो सही। देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू बी फियरफुल ऑफ, वो कौन व्यक्ति है जिससे मैकबेथ भयभीत होता है? बराबरी का आदमी होगा तभी भयभीत होगा, डरेगा, और कौन था? बैंको। मैकडफ लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बैंको। दोनों जनरल्स थे और जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें भी कहा गया था कि बैंको तो नहीं लेकिन बैंको की संतान राजा बनेगी। तो चलो भाई, व्हेन डिड द फोर्थ एंड द लास्ट फोलियो अपीयर, बताइए चौथा फोलियो कब आया भाई? 1685, ऑप्शन सी। स्पीड मेंटेन, रिदम करेक्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शेक्सपियर्स फाइट विद पायरेट्स, इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी? ए डब्ल्यू पोलार्ड, ऑप्शन ए राइट। गुड स्पीड बाय यू, क्योंकि 125 करना है तो आप स्पीड मेंटेन करें। हु कॉल्ड शेक्सपियर मैलिफ्लस शेक्सपियर, मैलिफ्लस शेक्सपियर किसने कहा भैया, जल्दी से बताओ, क्या कॉलरिज ने कहा था या अर्नोल्ड ने? तेजी से जवाब करो। तो यहां पर ना तो अर्नोल्ड ने कहा ना कॉलरिज ने, एक ऐसा नाम जो कम पढ़ने में मिलता है कमेंटर के रूप में, वो है टॉमस हेवुड, ऑप्शन ए राइट। याद करना जरूर से।
Who died last of all? Shelley, Keats, Byron, Wordsworth. तो देखो शैली की बात करोगे आप तो इनकी डेथ कब होती है, याद है कुछ डेट वगैरह? 1822 में। कीट्स की बात करोगे आप, इनकी डेथ होती है 1821। बायरन के लिए बात करोगे आप तो इनकी डेथ होती है 1824। और वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है 1850 में। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में कुछ सोचना तो है नहीं, क्या आंसर लगाओगे? डी इज द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, आई वॉज idiom means अ डिसेप्शन, लव मेकिंग, लस्टी, एवरी सिचुएशन गुड साइड। आई वॉज का मतलब होता है धोखा, डिसेप्शन। ऑप्शन ए राइट। एग ऑन मीन्स अर्ज्ड, इनकरेज्ड, ओल्ड एज, गुड हेल्थ। एग ऑन समबडी का मतलब है किसी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, इनकरेज। ऑप्शन बी। कट द मस्टर्ड idiom का मीनिंग बताएंगे सीधे सीधे। वैसे तो मस्टर्ड का मतलब जानते हो, सरसों होता है, और जिसकी सरसों कट गई तेल निकलेगा, उसको बेचेगा तो उसका परफॉर्म अच्छा ही माना जाएगा ना, टू परफॉर्म वेल। ऐसे जोड़ दो उल्टा पुल्टा, याद हो गया। नेक्स्ट, अबाउट 70% पीपल इन दिस कंट्री आर सो पुअर दैट दे लिव थ्रू थिक एंड थिन, फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू लो स्पिरिट्स, इन द डार्क। एप्रोप्रिएट फ्रेज को एड ऑन करिए 60 नंबर में। हमारे देश में 75% ऐसी आबादी है जो डेली कमाती है और डेली खाती है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि बी ऑप्शन। तो भाई ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लू ब्लडेड ऑफ नोबल बर्थ, यही होगा कि नहीं? श्रेष्ठ परिवार में, शाही खानदान में जिसने जन्म लिया हो। द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज्ड सो मच दैट ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, ईट अ हम्बल पाई, हैव हिज फिंगर्स इन द पाई। 62। मुश्किल से गुजर बसर करना, मेक बोथ एंड्स मीट, और ये रहा 63। टू गो बनानाज idiom means to become very angry, to be rational, to feel embarrassed, to do it badly। और इसी के साथ आज का 50% सेशन हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग 30 seconds का एक ब्रेक लेंगे, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। हाँ, नहीं तो पता लगे करते करते जो है आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊं, क्या मतलब है? बोलो भाई कैसा लगा आप तक का सेशन? आधी मूवी हो गई, इंटरवल है ये। कुछ लोग बढ़े हैं कि उतने ही? यहां कुछ बढ़ गए, बहुत अच्छे, शिद्दत से जवाब करते रहे, और जो ना आए उसको ज्यादा तैयार करें। थैंक यू, थैंक यू। देखो भाई मेरे यहां प्रयागराज में मौसम बहुत अच्छा नहीं है, कुछ एडवर्स है, ह्यूमिडिटी कुछ ज्यादा है ना। बकाया तो आप लोग कैसे हो ऐसे कह रहे हैं कि मूवी है चलो भाई इसी बहाने हंस लिया है ना, थोड़ा जरूरी है रिफ्रेशमेंट, नहीं तो फिर एक पैटर्न बन जाता है, पता लगे कि मामला गड़बड़ा जाए है? तो माय डियर देखो सीधे सीधे समझो, चलो लेट्स रिज्यूम। थैंक यू, थैंक यू अर्मेश अंडर। ये कह रहा है कि टू गो बनानाज, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? अगर आप किसी के बनाना में गो मतलब चले जाओगे, यानी चढ़ जाओगे, तो बनाना तो हो जाएंगे बेकार और आदमी हो जाएगा नाराज
टू बिकम वेरी एंग्री, यहां बी बिकम नहीं होना चाहिए, टू बिकम होना चाहिए। यस बिल्कुल जरूरी है कॉमिक रिलीफ, एकदम सही लिख रहे हो, चला जाए फिर, है ना, जरूरत पड़ेगी तो एक रिलीफ और ले लेंगे माय डियर, बट चलेंगे पूरा। चलो टू बी अंडर द वेदर idiom, टू फील गुड, टू फील इन लो स्पिरिट्स, टू फील एक्साइटेड वेरी रैपिडली। टू बी अंडर द वेदर, क्या बात, जब आदमी अंडर द वेदर हो जाता है ना, तो उसमें जितनी जान होती है वो उससे नीचे का महसूस करता है, यानी बड़ा कहते ना मॉरल कहते हैं उसका, बड़ा मन गिर गया है, अब मन नहीं लगता पढ़ने में, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऑप्शन बी लगा दो माय डियर, और बहुत ध्यान से जवाब करना। चलो यस, विक्रम सेड्स फ्रॉम हेवन लेक इज अ एन वर्स नॉवल, एग्जीबिशन ऑफ पोस्टर पोएट्री, ट्रेवल बुक, कलेक्शन ऑफ फिलोसफिकल एसेज। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं, और यह एक ट्रेवल बुक है, ऑप्शन सी राइट। ब्रेक अ लेग मैंने कराया है और आप जवाब करोगे, ईडियम का मीनिंग होता है गुड लक, अच्छा भाग्य, सौभाग्य। डस्ट ऑफ स्नो अ पोएम पेंड बाय, एक इंपॉर्टेंट वर्क है डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, देखो पेपर के पैटर्न पर, जैसे आपको हाई स्कूल का टीचर बनना है ना, तो हाई स्कूल में जो प्रेस्क्राइब्ड कंटेंट है थोड़ा ऊपर ऊपर सुपरफ्लस उसको भी देख लिया करो, और जो हाई स्कूल पढ़ाते हैं उनका तो बहुत अच्छा है, कभी कभी पूछ लेता है। तो माय डियर यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है जो कि लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ऑप्शन ए। Who got Nobel Prize in Literature in 2023? Question एकदम नया है भाई, 2023 में किसे मिला Nobel Prize? बिल्कुल सही जवाब है, हमने इसको टेलीग्राम में भी दिया था, जॉन फॉस, जो कि एक नॉर्वेजियन ऑथर हैं, नॉर्वे के हैं, और बिल्कुल अच्छा जवाब कर रहे हैं हमारे साथी। हाउ बीस्टली वीमेन आर टू ईच अदर, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, एक दूसरे के प्रति महिलाएं कितनी पशुवत हो गई हैं, और ये लाइन आपको देखने को कहाँ मिलती है? द रूफ, एक साथी का रिक्वेस्ट आया था कि द रूफ की समरी नहीं मिल रही, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करिए। द स्किन गेम, विंडोज, नन ऑफ बीच, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, एड ऑन करते जाना है। यस विंडोज, ऑप्शन सी राइट। देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ऑप्शंस बिफोर यू, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, द पिजन। विच प्लेज आई स्टडी इन रेडिकल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन, द स्किन गेम, द मॉब, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टी 71, रेस्पॉन्ड इमीडिएटली, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉयल्टी। यहां स्किन गेम वाले गड़बड़ हो जाएंगे, लॉयल्टी, रेडिकल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन। समरी एक बार पढ़ लीजिएगा पॉसिबल हो। लाइफ इज लॉन्ग टेम्पटेशन, हु सेड,
गाल्सवर्दी ने कहा, लेकिन कहां पर? जस्टिस में कि द स्किन गेम में? शॉ इन पिग्मेलियन, शॉ इन आर्म्स एंड द मैन। तो ये जीवी शाह ने तो नहीं कहा, ये तो आपको पक्के से पता है, बस याद रखना है कि ये बात जस्टिस में कही गई है। जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश क्रॉल्स ऑन इटसेल्फ। वेयर डज दिस लाइन अपीयर? क्वेश्चन नंबर 73। तो हिंट आपके सामने है, ऑप्शन सी जस्टिस। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हू सेड, गलती कोई नहीं करेगा, बहुत ही कई बार पढ़ा हुआ स्टेटमेंट है टेनिशन, और उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना। अ लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज इंस्पायर्ड, पायरेटेड, अनइंस्पायर्ड। वर्ड्सवर्थ ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो लार्ज पोर्शन है वो इंस्पायर्ड नहीं है, अनइंस्पायर्ड है। अब देखो, इसमें अगर कोई तुक्का मारेगा तो वो ए मारेगा, हमेशा ध्यान रखना। बट राइट आंसर सी है। वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन थाय एबोलाइन अपीयर इन। टू शेक्सपियर, टू मिल्टन, टू बेन जॉनसन, नन ऑफ दीज। 76 में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आप लोग जवाब करें कि ये लाइन कहां पर कही गई है और किसके लिए। तो टू मिल्टन में मिल्टन के लिए। लंदन 1802 जरूर याद होना चाहिए। आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस हु सेड, बिहोल्ड मतलब होता है देखना, ध्यान से देखना, वॉच। ये बात शैली, कीट्स या वर्ड्सवर्थ, किसने कही है भाई साहब, तेजी से बताएं। और राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ। Who calls Wordsworth one of chief galleries of English poetry? Arnold, Milton, Tennyson, Coleridge। पढ़ा होगा तभी जवाब सही निकलेगा, वरना कंफ्यूजन तो बना ही रहता है। द राइट आंसर इज Arnold, ऑप्शन ए। वेल डन, हमारे साथी अच्छा जवाब कर रहे हैं, और वेल्डन कहता हूँ सबके लिए एक साथ है, ठीक है। हाँ, वो ना समझे कि मेरे लिए है, वो समझे मेरे लिए, सबके लिए, जिनका सही है। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? भाई साहब, ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को कहा था अ लॉस्ट लीडर, सबके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक, शेली, मिल्टन, टेनिशन, कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनक किसने बोला, और ये बात कही थी शेली ने, ऑप्शन ए राइट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर एंड आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग हू सेड। तो अपने आप को टीचर कहलवाना पसंद किया था वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन डी राइट। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकमिंग अ लिविंग सोल, वेयर डू दीज लाइंस अपीयर। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपको यहाँ दिख रहे हैं, और हमारे सभी साथी जानते हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है टिंटन। Who was Wordsworth's great idol? Milton, Shakespeare, Godwin। Wordsworth का great idol कौन था, जिसके कहलो के उपासक थे? Milton is the right answer। I am afraid of lizard, but whenever I see, I find it my head। I see over over। जल्दी से जवाब करो। Whenever I see above
आई फाइंड इट ओवर माई हेड. एक में लंबवत होता है, एक में लंबवत नहीं होता. एट नून द सन इज अबव आवर हेड या ओवर, दो में से एक ही आएगा. दोपहर में सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, लंबवत होगा कि छितराई हुई अवस्था में. फाउंडेशन में बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है. ओवर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ओवर. माय टीचर कम्स टू कॉलेज ऑन हिज कार या इन हिज कार. बड़ा गजब का क्वेश्चन आ गया. अभी तक तो हम बाय जानते थे, लेकिन बाय का कोई ऑप्शन नहीं है. कार के बाद में अगर हिज हर लगा है, पर्सनल हो, तो आवरण होने की वजह से उसे इन लगाना बेहतर माना जाता है. इन छोटा वाहन है, इन हिज कार. इन रेनी सीजन आई लाइक टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव बाय सॉरी माय बाइक. अब भाई बाइक के लिए सोचना पड़ेगा, ऑन लगाओगे कि इन या एट. तो जब बाइक में आप बैठोगे, कौन इन लगा रहा है उसको सामने लाया जाए. हाँ जी माय डियर, बाइक में बैठोगे तो उसको स्पर्श करोगे कि नहीं. आवरण तो होता नहीं है, क्यों है? कुछ तो दिमाग लगाया करो. चपकोगे ना बाइक में, टच करे, स्पर्श करे, तो ऑन प्रेपोजिशन आता है. बाइक में तो यार, बाइक में बैठते समय देखना, स्पर्श करता है, टच करते है कि नहीं, तो डी ऑप्शन होगा. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे इन ऑन एट नो प्रेपोजिशन. एक बेहतरीन क्वेश्चन, अप टू द मार्क, जो एग्जाम में आ सकता है. और ये कह रहा है कि येस्टरडे, टुडे और टुमारो के साथ नो प्रेपोजिशन होता है. ऑप्शन डी राइट. उत्तर प्रदेश, क्या जी? उत्तर प्रदेश इज रिच ऑफ फॉर विद इन वीट. 89 समृद्ध होना, रिच इन वीट. ऑप्शन डी. वी वर अम्यूज्ड बाय जोक्स टू विद फ्रॉम बाय. देखो बाय मत लगा देना, मैंने बोला कि बोलिए, ठीक है, अपने आप लगाना. अगर आपका दिल करे तो लगाओ. वी वर अम्यूज्ड बाय हिज जोक्स. एकदम सही है. विद नहीं होगा ना, फ्रॉम होगा. यस. विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड द की बुक ऑफ द पोएम. की बुक कौन सी मानी जाती है? बुक नंबर बताना है. क्वेश्चन दमदार है, और यदि आपका जवाब सही है तो आप बधाई के पात्र हैं. बुक नंबर 9, ऑप्शन सी राइट. द पिकारू द मेन कैरेक्टर इन अ पिकारेस्क नॉवल इज अ मिथिकल कैरेक्टर, अ लवेबल कैरेक्टर, एन आइडियल कैरेक्टर, अ क्लेवर विलन. 92. ये एक लवेबल रोग है, और रोग मीन्स दुष्ट होता है. पिकार स्पेनिश वर्ड का मतलब रोग ही होता है, पिकारो, है ना. ऑप्शन बी राइट. हु इज क्रेडिटेड फॉर फाइंडिंग द हिस्टोरिकल नॉवेल. दिमाग लगा दो भैया, हिस्टोरिकल नॉवेल का बात करोगे तो पॉइंट किसे बनाओगे? वॉल्टर स्कॉट. ऑप्शन सी. गलत तो होना ही नहीं चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड पंक्चुएशन यूज इन द पोएम टिंटरनेवी. पीरियड एंड कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड डैश, कॉमा एंड सेमी कॉलन. तो कौन सा पंक्चुएशन है जो टिंटर्न एबी में यूज नहीं किया गया? दैट इज क्वेश्चन मार्क. खूब पढ़ के देख लीजिएगा,
खोज के देख लीजिएगा। टिंटर्न एबी इज रिटन इन व्हाट मीटर, किस मीटर में टिंटर्न एबी को लिखा गया। क्या आप एम्बिक पेंटामीटर के साथ जाएंगे? यस, ऑप्शन सी राइट। चार्ल्स फर्स्ट वाज बिहेडेड इन, उस वर्ष को मेंशन करो जब चार्ल्स प्रथम को बिहेड कर दिया गया, सर कलम कर दिया गया। 1649। हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न, बिलजबब, ऑप्शन डी राइट। मिल्टन इज सेड टू बी द फर्स्ट एलजावेदन, द सेकेंड एलजावेदन, द बिलेटेड एलजावेदन, क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन सी राइट। मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स, हु सेड, किसका स्टेटमेंट है भाई, पैटिसन वैली या लॉन्ग। 99, जॉन बेली इज द राइट आंसर। वेल डन, गुड स्पीड। इफ मिल्टन वॉज प्योरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्योरिटन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये सब स्टेटमेंट एकदम रट जाओ, फिंगर्स में होने चाहिए, एकदम टिप्स फिंगर टिप में होने चाहिए, तुरंत बता दो भाई, ऑप्शन भी ना देखना पड़े, इस कदर आप तैयार करो। देखो जो तैयार करेगा ना उसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हचिंसन इज द राइट आंसर। एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट इज अ वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम मिल्टन्स कॉमर्स, लिसिडस, सैमसन अगेंस्ट इच। 101, ये लाइन ली गई है मिल्टन्स सैमसन अगेंस्ट इच। Milton became totally blind at the age of 44 and the year was 1652. 102 में बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। Milton wrote no language, who said? यार इतनी बड़ी बात कौन कह दिया कि Milton ने कोई लैंग्वेज लिखी ही नहीं। जॉनसन, बेन जॉनसन, अर्नोल्ड या इलियट। कोटेशन में दम तो है, डॉक्टर जॉनसन से सभी परिचित हैं भाई, और राइट आंसर है ऑप्शन ए। हु इज द ऑथर ऑफ स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेशा 1873? यहां आप संभल कर जवाब करिएगा, और राइट आंसर है वॉल्टर पेटर, ऑप्शन डी। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स जस्टिस 1910 इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पीरियड, और ये कमेंट है, लिखा था एसी वार्ड ने। कह रहा है कि ब्रैकेट में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। देखो आंसर की में कुछ आंसर गलत दिए हैं, उसकी टेंशन मत लेना, आप सही करा दूंगा। The orange was too sour to eat. जवाब करें। यहां पर भी शायद इस क्वेश्चन का आंसर आंसर की में गलत है, बट राइट आंसर होगा डी। सी क्यों नहीं होगा ये समझो, क्योंकि पास्ट टेंस है तो कैन नॉट नहीं कुड नॉट होगा, और आंसर की में गलती से सी ऑप्शन चला गया, डी राइट होगा। ठीक है, would not love his mother, assertive में चेंज करना है, everyone would love his mother, पहले सबसे पहले पहले ऑप्शन में विचार करो तो आप पाएंगे कि इंटरोगेटिव से assertive बनाया गया है और जो कि एकदम सही है। 08, the teacher appointed him monitor, बहुत ध्यान से जवाब करना है। 08 में देखो ही को सब्जेक्ट बना दो, ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द टीचर, यस। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट सॉट टू रिफॉर्म सोशल लेवल्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लिटरेरी प्रोडक्शंस,
जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था वो रिफॉर्म चाहता था सामाजिक बुराइयों में, सोशल एविल्स। रेनेशा बेस्ट फ्लोरिस्ट इन इंग्लैंड, इन रेनेशा बोलेंगे यस। एलिजाबेथन एज इज द राइट आंसर। एक छोटा सा क्रॉस टेस्ट है, फटाफट पढ़ लेंगे और जवाब करते चले जाएंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, द लास्ट ऑफ द मुगल्स, रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर वर द रिवोल्ट्स ऑफ द मराठाज, द सिक्स, द जाट्स एंड अदर्स। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्पायर बिगेन टू फेयरली फास्ट द कंट्री सून इन टू स्मॉलर टेरिटरीज, मैनी ऑफ इज बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। अब देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स रिवोल्ट्स, तो जवाब करिए 11 नंबर में तेजी से, क्या लगाएंगे आप तेजी से बताइए। तो अगर हम वर लगाते हैं तो देखिए सेंस सही बैठ रहा है कि नहीं। वर रिवोल्ट्स अगेंस्ट द एम्पायर एकदम सही है। 12 में देखें डीज इट दैट दिस, यहां पर आप सेट करो डीज को। These were the revolts of the Marathas, the Sikhs, the Jats and 13 नंबर में आओ, यहाँ दीज को लगाओ, ठीक है। अब यहाँ देखिए more, much, many, तो many लगाने से जवाब सही आ रहा है कि नहीं देखते हैं। many others सही है। After the death of Aurangzeb, the Mughal Empire began to 14 नंबर देखेंगे disperse, disturb, disrupt, disintegrated, यानी कि विखंडित होना, ऑप्शन डी एकदम सही है। ब्रोक इन, ब्रोक ऑफ, ब्रोक आउट, ब्रोक अप। तो अगर हम बात करें यहां पर क्या लगाएं, ब्रोक अप, ब्रेकअप से बनाएं। दीज कंट्रीज सून ब्रोक अप इंटू स्मॉलर, टूट जाना, बट जाना, विखंडित हो जाना, टेरिटरीज, मैनी ऑफ विच बिकेम मोर और लेस इंडिपेंडेंट। तो बिल्कुल सही जवाब जा रहा है आपका ब्रोक अप। स्पेलिंग सही करिए। चलिए भाई स्पेलिंग में आपको पूरा टाइम दे देता हूं ताकि आप ये ना कहो कि समय नहीं मिला था, नहीं तो हम सही कर देते। फ्लफी की स्पेलिंग बताना है, फ्लफी एफ एल यू एफ एफ वाई, एकदम सही है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग सिलेक्ट कर लो। तो यहां पर 17 नंबर में ब्रिस्टल, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। रॉन्गली स्पेल्ड यहां भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 में नोटिसेबल की स्पेलिंग रॉन्ग है, सीई होगा, एबीएल। 19 अनुष्का शर्मा डिड अ होल एंड कॉर्नर वेडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल एंड कॉर्नर, अंडरलाइन कर लो भाई, होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या है। अनुष्का शर्मा ने होल एंड कॉर्नर शादी की। लेविश ग्रैंड सीक्रेट विदाउट प्रिपरेशन, ये क्वेश्चन दमदार है भाई। होल एंड कॉर्नर का मीनिंग होता है चोरी चोरी, गुपचुप तरीके से, सीक्रेट। विम्प का मतलब होता है मीकॉक, प्लकी, जेनियल या ग्रिटी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली मीनिंग पूछता है। विम, मीकॉक, ऑप्शन ए राइट। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, द फिगर ऑफ स्पीच इच, बोलेंगे सभी साथी। एंटीथीसिस, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, एक तरफ प्रपोज, दूसरी तरफ डिस्पोज। ओ स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीन जल्दी से सही हो जाएगी, और अगर नहीं सही हो रही है तो फिर दूसरा तरीका देखा जाएगा।
बस आप लोग वेट करते रहिए, तब तक है ना मूड को रिफ्रेश कर लीजिए एकदम, और जैसे सही हो जाए तो थम्स अप कर देना। कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद स्क्रीन डिस्प्ले मतलब इंडिया में बड़ा चक्कर रहता है बरसात वाला। अभी तक आप लोग बताएं कि 120 तक कितना सही किए हैं, जल्दी से जल्दी बताइए, तब तक मैं कोशिश करता हूं शायद कामयाब हो जाऊं, है कोशिशें भी। हाँ हम सवाल पूछ लेंगे, डोंट वरी, वो लास्ट ऑप्शन सवाल पूछने वाला था। बहुत सजेस्ट करते हो आप लोग, है ना, देखो सही हो जाए तो थम्स अप करो। तो यहां पर राइट आंसर क्या है तेजी से बताएंगे, सही हो जाए तो थम्स अप करो भाई। राइट आंसर क्या बनेगा माय डियर, एंटी थीसिस, मैन प्रपोजिज गॉड डिस्पोजिज। चलो पैक्स इज बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 122। रोमन गॉडेस ऑफ पीस, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा एग्जाम तक। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पूरा दिमाग लगाइए। एरोगेंस, अटेंडेंस, अपीयरेंस, अबेंडेंस, यहां पर सही वाला कौन सा है तो आप देखेंगे अबेंडेंस, बकाया सब गलत है, इनको आप करेक्ट करेंगे, एक ही सही है। करेक्ट स्पेलिंग बताएंगे आप लोग, करेक्टली स्पेल्ड स्क्रैम्बल, ऑप्शन सी राइट। ओ गॉड, स्क्रीन फिर से गड़बड़ कर गई, क्या हो रहा है ये। इस सिलसिले में कल मैं बात करूंगा भाई अपने टेक्निकल असिस्टेंट से, अभी देखो शायद सही हो जाए। स्क्रीन का छोड़ देना ये ठीक बात तो नहीं है, आ गई स्क्रीन फिर गई। स्क्रीन आ जाए तो ओके लिखना भाई, माय अपोलॉजी फॉर इट, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरा इसमें कुछ कसूर नहीं है, और हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं, इसके लिए माफी, कोशिश करूंगा कि ये प्रॉब्लम्स ना हो, है ना, देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। चलिए द लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पेलिंग पर आपको बहुत फोकस्ड रहना है, अगर टीजीटी में सिलेक्शन लेना है 10 से 12 स्पेलिंग आता है, 10 से कम तो आना ही आना नहीं है। तेजी से जवाब करें माय डियर सभी सर, और यहां पर माय डियर रॉन्गली स्पेल्ड पूछा गया है, तो मायोपिक की स्पेलिंग गलत है, आप सभी देख पा रहे हैं कि ये स्पेलिंग रॉन्ग। अपना अपना स्कोर ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली शेयर करें कितना गया है, और मैं इसमें आपको, अगर आपने ईमानदारी से किया है तो इसका क्वालिफाइंग जो मेरी तरफ से है वो है 101, 101 यदि आप हैं तो आप क्वालिफाइड हैं इस टेस्ट में, वरना और थोड़ा मेहनत करना है। इसी तरीके से आप लोग कनेक्टेड रहिए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ते रहिए, एप्लीकेशन में जो लैंग्वेज का 6000 MCQ जैसे तैयार करेंगे तो मॉक टेस्ट अच्छा जाएगा, TGT लिटरेचर का प्रैक्टिस 2000 क्वेश्चन ये तैयार होगा तो मॉक टेस्ट अच्छा जाएगा, और जो हमारे साथी टारगेट टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करें,
इसके बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। खुद पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि देखो भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तो जो टीचर्स होते हैं हमारे जैसे वो दब जाते हैं क्योंकि उन लोगों का ऐड जाता है। लेकिन आप ही सभी जितने लोग हो, मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो, यदि आप मेरा सपोर्ट करोगे तो नो डाउट जितना मैंने कहा है उससे ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, कल फिर मिलेंगे। कोई विशेष बात है तो कमेंट करके बताएंगे। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया।